अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक क्रूरता को अंजाम दिया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन अमेरिका के कैलिफोर्निया में बापू का अपमान किया गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक पार्क में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति को कुछ अज्ञात बदमाशों ने तोड़ दिया है। आपको बता दें कि इस घटना पर अमेरिका में रह रहे भारतीय अमरीकी लोगों ने नाराजगी जताई है। वहीं कुछ महीने पहले भी अमेरिका में गांधी जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया था और उनका अपमान किया गया था। भारतीय अमेरिकी लोगों ने महात्मा गांधी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना को नस्ली घृणा करार दिया है। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि इस मामले की जांच नस्ली घृणा के तौर पर की जाए। उत्तरी कैलिफोर्निया के डेविस में स्थित सेंट्रल पार्क में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति के घुटनों पर प्रहार करके उसे तोड़ दिया गया है। महात्मा गांधी की मूर्ति के चेहरे को भी नुकसान पहुंचाया गया है। मूर्ति का आधा चेहरा गायब है। बापू की ये मूर्ति 6 फुट ऊंची है। इसका वजन 294 किलोग्राम है। डेविस पुलिस के मुताबिक बापू की क्षतिग्रस्त मूर्ति को सबसे पहले 27 जनवरी की सुबह सेंट्रल पार्क के एक कर्मचारी ने देखा था। क्षतिग्रस्त मूर्ति को अब हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। पुलिस अभी बापू की मूर्ति तोड़ने वाले अज्ञात लोगों को ढूंढ रही है और इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी की इस मूर्ति को भारत सरकार ने डेविस शहर को दिया था। आज से 4 साल पहले इसे डेविस शहर के सेंट्रल पार्क में स्थापित किया गया था। उस दौरान इलाके में महात्मा गांधी विरोधी और भारत विरोधी संगठनों के प्रदर्शन चल रहे थे। वहीं अब सवाल ये उठता है कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। परम पूज्य बापू यानी महात्मा गांधी की मूर्ति को कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं यह उम्मीद भी लगाई जा रही है कि इस बदसुलूकी का अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वहीं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।